हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपनी इंस्टाग्राम फोटोज़ को इंस्टाग्राम के अंदर ही कैसे एडिट कर सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो हैं। जी हाँ गाइज, मैं आप लोगों को यहाँ पे जो ट्रिक बताने वाला हूँ उसके ज़रिए आप लोग बेसिकली, वो ट्रिक नहीं एक फीचर है, उसके ज़रिए आप लोग अपने इंस्टाग्राम की फ़ोटोज़ को इंस्टाग्राम के अंदर ही एडिट कर सकते हैं। आप लोगों को ना तो स्नैपसीड, लाइटरूम या किसी भी अदर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग डायरेक्टली इंस्टाग्राम के अंदर ही अपने फ़ोटोज़ को अपलोड करने से पहले एडिट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर कर, इंस्टाग्राम में एडिटिंग होगी वो एक बेसिक एडिटिंग होगी, जो कि आप लोग अदर एप्लीकेशन में, जैसे अगर बेसिक एडिटिंग करते हैं लाइक स्नैपसीड या लाइट रूम में अगर बेसिक एडिटिंग करते हैं तो वो सारे फीचर्स आपको इंस्टाग्राम में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें प्रो लेवल की, तो भाई प्रो लेवल लाइक अगर आप सोच रहे हैं कि इंस्टाग्राम के अंदर ही विजय महर जैसी एडिटिंग हो जाए, तो भाई बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग डायरेक्टली अपलोड करते हैं फोटोज, तो उससे बेटर है कि इंस्टाग्राम में ही या तो आप लोग एडिट कर लें, या फिर जैसे अगर आप लोग अदर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो फालतू वहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का टाइम लगता है, तो वो नहीं होगा। आप लोग डायरेक्टली इंस्टाग्राम के अंदर ही अपने फोटोज को एडिट कर पाएंगे। तो अगर आप लोग अपने फोटोज को इंस्टाग्राम के अंदर एडिट करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें। ऑल्सो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग जो इंस्टाग्राम पर फोटोज अपलोड करना चाहते हैं उसको इंस्टाग्राम में कैसे एडिट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम में आ जाते हैं और यहाँ पे अपलोड वाले सेक्शन में चलेंगे। अब यहाँ पे हमें वो फोटो सिलेक्ट करना है जिसको हम एडिट करना चाहते हैं। तो ये फोटो मैं एग्जाम्पल के लिए एडिट करना चाहता हूँ और अपलोड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। अब सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी फिल्टर्स दिखाई देंगे। अगर आप लोग एडिट नहीं करना चाहते तो कोई भी फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे कस्टम एडिट करना चाहेंगे तो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको फिल्टर के साइड में या नीचे। मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ, यहाँ एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो एडिट पर क्लिक करना। जैसे ही आप लोग एडिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन दिखाई देंगे, जो कि काफ़ी सारे ऐप्स जैसे स्नैपसीड वगैरह में भी सेम यही ऑप्शन होते हैं जैसे हम लोग वहाँ पे जाते हैं बेसिक एडिटिंग के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो होता है एडजस्ट का। अगर आप लोग अपने फोटो को एडजस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा सा रोटेट वगैरह करना चाहते हैं, यहाँ से ये प्रस्पेक्टिव वगैरह जो वहाँ पे ऑप्शन आता है स्नैपसीड वगैरह में, तो ये यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं फोटो को। बट करेंटली मैं सोच रहा हूँ कि यार इसको हम लोग जैसा बिकॉज ऑलरेडी वो थोड़ा सा रेक्टेंगल में थोड़ा सा टेढ़ा खींचा हुआ है, तो भाई ठीक है फोटो है ना। अब हम लोग यहाँ पे ब्राइटनेस के ऑप्शन पे जाते हैं, थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। अगर आपका फोटो ज़्यादा डार्क है तो आप थोड़ी ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ाएं, उसके बाद डन पे क्लिक कर दें। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट कर लें। देखिए यहाँ पे मेरे को कॉन्ट्रास्ट कम करने में ज़्यादा मेरे को सही लग रहा है फोटो, तो इसको कम कर देते हैं, डन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चर जैसे आप यहाँ पे बढ़ाएंगे ना, आपका फोटो कुछ ज़्यादा ही, जिसको बोलते हैं हम लोग क्लियरिटी बोलते हैं, लाइट रूम में अगर एडिट करते हैं तो क्लियरिटी का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे क्लियरिटी बढ़ाएंगे तो थोड़ा इस टाइप का आएगा। लेकिन यहाँ पे कोई अदर ऑप्शन नहीं है तो हम लोग क्लियरिटी को ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ कर रहे हैं। बट अगर आप लोगों की फोटो पर अगर आप लोगों ने नेचर वगैरह का खींचा हुआ है तो अच्छा लगेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे वार्म्थ में। अब ये बेसिकली टेम्परेचर होता है आप लोग, जैसे कि देखिए टेम्परेचर यहाँ पे आप कैसा करना चाहते हैं, जैसे कि अगर धूप वगैरह के लिए या फिर इस टाइप में, तो आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। हम लोग इसको डन पे क्लिक कर देते हैं। सिचुएशन को जैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे तो जो कलर है वो थोड़े से डार्क हो जाएंगे, तो हम लोग 10 पे ही रहने देते हैं। आप लोग अपने फोटो के हिसाब से एडजस्ट करें, जस्ट मैं आपको एडिटिंग प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद डन पे क्लिक करना है और आप जो भी एडिट करें उसके बाद डन पे जरूर क्लिक करें, वरना वो ऐड नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं कलर का। कलर में अगर आप जाएंगे तो शेडोज वगैरह में यहाँ पे कलर एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा भी अगर आप लोगों को लग रहा है कोई कलर, जैसे मैं ग्रीन को एग्जांपल यहाँ पे यूज करके देखता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ थोड़ा इसको कम कर सकता हूँ। जैसे ये ज़्यादा है तो इसको हम लोग कर देते हैं, इसको रहने देते हैं 4-5 पे रहने देते हैं, डन पे क्लिक करते हैं। हाईलाइट्स में अगर आप देखेंगे तो ग्रीन वगैरह इतना ज़्यादा लोगों को नहीं करना है, मतलब अपने फोटो के हिसाब से आप लोग चेक कर। कलर में आ जाते हैं, मैंने गलती से कर दिया था। तो यहाँ पे जैसे अगर आप लोग कोई एडिटिंग कर देते हैं और आप लोग चाहते हैं वो चीज़ हटाना, तो जैसे यहाँ पे आएंगे तो जैसे आपने कोई एडिट करके डन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद कलर पे आएंगे और यहाँ पे इस वाले एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो वो एडिटिंग हट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक बार फिर से कर दिया हाईलाइट्स में, इसको हटा देते हैं, इसको डन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे फेड में। फेड में देखते हैं तो यहाँ देखेंगे तो फेड में भाई थोड़ा सा मेरे को सही लग रहा है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको 30 कर देते हैं, फेड यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे, डन पे क्लिक कर देंगे। हाईलाइट्स में आप लोग हाईलाइट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, बेसिकली टाइप ही होता है, तो यहाँ पे
इसको हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, 20 कर देते हैं। शेडोज में जाते हैं, शेडो देखते हैं यहाँ पे, तो शेडो तो भाई मेरे को इतना सही नहीं लग रहा, तो नॉर्मली इसको रहने देते हैं यहाँ पे। और विंटेज में जाएंगे तो विंटेज का ज़्यादातर लोग यूज़ ही करते हैं, देखो भाई अपने स्नैपसीड वगैरह में होता है विंटेज, तो विंटेज को कर लेते हैं यहाँ पे। और टिंट का देखते हैं, तो यहाँ पे आप, यहाँ पे बेसिकली ये इस काम के लिए होता है, जैसे आप लोग कहीं ब्लर वगैरह करना चाहते हैं, देखिए मैं यहाँ बाकी एरिया में ब्लर करना चाहता हूँ, तो ये ब्लर हो गया, ये वाला ऑप्शन एक यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप लोग इसको ऊपर कर सकते हैं, जितने एरिया में ब्लर करना चाहते हैं तो देखिए बाकी एरिया में ब्लर हो जाएगा। अगर आप लोग सर्कल टाइप ब्लर करना चाहते हैं, देखिए इतने एरिया में ब्लर करना है, बाकी में ब्लर नहीं करना, तो इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद शार्पन में जाएंगे तो एक क्लैरिटी टाइप ही होता है, तो इसको अगर थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहें तो कर सकते हैं, डन पे क्लिक करेंगे। अब आपका फोटो नॉर्मली बेसिक एडिटिंग हो चुकी है, उसके बाद फिल्टर वगैरह यूज़ ना करें अगर आपने, अगर अपनी तरफ से एडिशनल एडिट करा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं और अपने हिसाब से यहाँ पे अपने हैशटैग वगैरह लगा के कैप्शन डाल के अपने फोटोज़ को अपलोड कर सकते हैं।